गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। चलिए भाई, तो आज का जो हमारा विषय है जिस पे हमको चर्चा करनी है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस को लेकर के। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का जो बीएससी है आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। अभी पिछले 2 सालों से जो सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। अच्छा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आपके आने वाले नेट जेआरएफ के एग्जाम को लेकर के हो, चाहे गेट के एग्जाम को लेकर के हो, सिलेबस में सारी चीजों को समाहित किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करें अभी तक पिछले दो साल के पहले जो एग्जाम था, वो जो एग्जाम का सिलेबस था उसमें समस्याएं थी। उसमें जो है आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट तो हुआ करता था, लेकिन जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो क्वेरीज होती थी उस पर फोकस नहीं किया गया था सिलेबस पे। वैसे भी पिछले भी समय का सिलेबस बहुत अच्छा था, सराहनीय था, ऐसा नहीं कह सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जो सिलेबस था वो सिलेबस बहुत ही बेहतर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिछले जो सिलेबस हुआ करते थे वो अधिकतर सारे सिलेबस आपके थ्योरेटिकल हुआ करते थे, सारा पोर्शन आपका थ्योरेटिकल था। लेकिन जो अब का सिलेबस है ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस, अभी मैं आगे चर्चा करूँगा, सारा का सारा सिलेबस आपका पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है। और यार कंप्यूटर साइंस जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ना कि थ्योरी। तो प्रैक्टिकल, इसका अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में देखें तो सारे सब्जेक्ट, जितने के जितने सब्जेक्ट हैं, सब के सब जो है थ्योरी पोर्शन बहुत ही कम है, और जितना भी आपका टॉपिक है सारा प्रैक्टिकल ज़्यादा है और थ्योरी पोर्शन को बहुत ही मिनिमाइज करा गया है। इसके पहले का जो सिलेबस था उसमें न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स हुआ करता था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हुआ करता था, डीबीएमएस हुआ करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ करता था, जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लास्ट ईयर के जो सब्जेक्ट थे वो कुछ इस तरह के थे। अगर बाद बाकी जो है नेटवर्किंग वगैरह का जो था वो भी ज़्यादातर उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ भी नहीं था। प्रैक्टिकल तो खैर अभी भी नेटवर्किंग में नहीं है, लेकिन अधिकतर आपके टॉपिक्स जो कि हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, थ्योरी पर फोकस बहुत ही कम किया गया है। तो आइए समझते हैं कि क्या सिलेबस है और कैसे कवर करना है, क्या करना होगा, ये सारी बातें हम लोग इस डिस्कशन में कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो हैंडल करने वाला जो है अपना वो एकमात्र दरअसल जेके इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो जेके इंस्टीट्यूट ही सब कुछ मैनेज करता है, और एकेडमिक सेशन 2020-21 का जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपडेटेड सिलेबस। आइए देखते हैं अपना सिलेबस क्या है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में ये जो सिलेबस है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, बीएससी Part 1, Part 2 और Part 3। तो Part 1 और Part 2 और सिमिलरली Part 3 में डिवाइडेड है। तो जो Part 1 है वो ऐसा सिलेबस, मतलब बहुत देख करके खुशी होती है, जो सिलेबस है वो इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि अगर कोई एकदम ऐसा आदमी हो जिसको कंप्यूटर साइंस का कुछ भी नहीं पता वो भी सीख सकता है। इस तरह से सिलेबस को डिज़ाइन करा गया है कि आपने आज तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कोई भी जो है आपको परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, आप आराम से सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या नहीं है। तो जो सिलेबस है वो Part 1, Part 2 और Part 3 का तीनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और हर एक ईयर में 3 पेपर हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पेपर होते हैं, और प्रैक्टिकल वगैरह के जो मार्क्स वगैरह हैं उसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे जो है मार्क्स डिवाइड है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें हम लोग आगे भी कवर करेंगे। तो इस तरह से है, 3 पेपर आपको पूरे मतलब सिलेबस में जो एक पार्ट में 3 पेपर कवर करने होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से पेपर हैं और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, क्या फ्यूचर में कोई यूज़ है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो Part 1 का पहला जो सिलेबस पहला पेपर है, पहले पेपर हुआ करता था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, लेकिन उस पेपर को बदल करके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है,
और आइए देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है और क्या क्या बातें बता रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है। तो देखिए भाई, जो पार्ट वन का सिलेबस है ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल है वो अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड है। आपको भी पता है कि कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सिलेबस तो आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो इसमें देखें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्ट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है हमको? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर चीज़ें हमको पढ़नी है डिजिट्स बेस्ड में, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब आपकी गेट्स हैं, लॉजिक गेट हो गए, काउंटर हो गया, एडर सब्ट्रैक्टर, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनके बारे में बात किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर ये पूरा जो पार्ट कवर करता है ये सेमीकंडक्टर वाले पार्ट को कवर करता है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, रेक्टिफायर है, पुल बाईपोलर ट्रांजिस्टर है, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसके बाद आगे का जो सिलेबस है वो आपका बुलियन अल्जेब्रा है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो बेसिक सी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वो सारी चीज़ें हैं। बहुत ही बेसिक सिलेबस है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं आपको, और आपको अच्छा फील होगा जब आप इन सिलेबस को कवर करेंगे और सारे सिलेबस को पढ़ेंगे। आपको बहुत ही मज़ा आएगा और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको डील करोगे। सिलेबस ये जान लो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये सिलेबस आपको पढ़ना ही चाहिए, इसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। और आपके चाहे गेट, नेट, जेआरएफ का एग्ज़ाम आप कभी दोगे तो उसमें ये सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं। चाहे आप जो है अगर कोई सब्जेक्ट इसको कभी ऑप्शनल वगैरह में रखते हैं तब भी आपको बहुत ही काम देने वाला है। आपके फिजिक्स के ऑलमोस्ट टॉपिक को इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पूछे जाते हैं उनको भी कवर करता है। तो ये कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा सिलेबस है जो आपका चाहे फिजिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आप अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये बहुत ही काम देने वाला है। अगर आप एमसीए करेंगे तो एमसीए में भी सारा का सारा सिलेबस आपको मिलेगा। तो हो सकता है कुछ पार्ट आपका एम्बेडेड सिस्टम वगैरह में चला जाए, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला पेपर है जिसका नाम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें मैंने बताया कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी चीज़ें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, लॉजिक गेट हो गए, लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट करना हुआ, मल्टीप्लेक्सर हुआ, फ्लिप फ्लॉप हुआ, काउंटर हुआ, रजिस्टर हुआ, इन सब के बारे में इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करा गया है। आगे का जो पेपर है आइए हम डिस्कस करते हैं, और वो जो अगला पेपर है वो आपका है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये फंडामेंटल एक ऐसा पेपर है जो कि हर यूनिवर्सिटी के में होता ही है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का आप जो है फंडामेंटल नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब आपने क्या ही पढ़ा। तो जो फंडामेंटल है वो आपका मतलब बेसिक बातें हैं जिसमें आप फंडामेंटल पढ़ने के बाद प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का जो प्री रिक्विजिट है, प्रोग्रामिंग सीखने के पहले का जो प्री रिक्विजिट है वो कवर करता है। आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को समझाता है, मेमोरी यूनिट को समझाता है, प्रोसेसर समझाता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे स्टोरेज के बारे में बताएगा, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज हैं मेमोरीज में सारी चीज़ें आ ही जाती हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। बेसिकली आपका ये कंप्यूटर साइंस का जो कोर पार्ट है, कोर फीचर्स है, उसको समझाता है। कोर फीचर्स का मतलब जैसे आपने ब्लॉक डायग्राम देखा होगा कंप्यूटर साइंस का, तो ये सीपीयू में आपका जो है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट और लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं, तो उन सब चीज़ों को कवर करता है। प्लस आपके जो सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट और हार्डवेयर को पूरी तरह से ये क्या करता है, कवर अप करता है। जो कि आपको हर एक आदमी को, इंसान को, अगर वो कंप्यूटर साइंस का बेसिक भी मतलब कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ भी पढ़ रहा है तो उसको जानना ही चाहिए। ठीक, तो बेसिक सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, और सीपीयू क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, बेसिक चीज़ें तो आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो, ये सिलेबस आपको कोई भी दिक्कत करने वाला नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप बुक पढ़ें और थोड़ा सा आप जो है हम लोगों के साथ जुड़े रहें तो हम आपको ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करवाएंगे। ठीक है,
तो फंडामेंटल ऑलमोस्ट बहुत ही बेसिक है, मतलब इस बार तो काफ़ी चीज़ें हट गई हैं। पहले जो है सिंक्रोनस डिवाइसेस वगैरह होती थी, बहुत सारी चीज़ें अब हट गई, फंडामेंटल पहले भी हुआ करता था लेकिन उन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। अब देखो यार, अगर बात करें सबसे बेस्ट जो मेरा फेवरेट है और किसी भी प्रोग्रामर का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो यही होता है, जिसमें आपको समझना है प्रोग्रामिंग इन सी को समझना है। तो प्रोग्रामिंग इन सी में आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी हैं, जैसे आपको मैं बता दूं तो फ्लो चार्ट क्या है और सुडो कोड क्या है, स्टोरेज कैसे होता है, क्या चीज़ें कंप्यूटर साइंस में, मतलब प्रोग्रामिंग का एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये जो आप आगे भविष्य में अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो जावा हो, सी प्लस प्लस हो, आपका फ्लटर डार्ट हो या आपका पाइथन हो, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको मिलेंगे। चाहे वो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम हो, चाहे सॉर्टिंग हो, चाहे जो है आपका रैंडम नंबर, प्राइम नंबर हो, यूक्लिड एल्गोरिथम हो, जीसीडी का हो, और स्टोरेज क्लास, और आपके स्टोरेज क्लास के अलावा स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, डेटा टाइप ऑपरेटर्स, फाइल एंड पॉइंटर्स के बारे में हो, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ये कवर करता है। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं वो ये प्रोग्रामिंग इन सी आपका कवर करता है, और बहुत ही अच्छा होता है ये। मतलब आपका समझ लो कि आप चाहे बीटेक करो, एमटेक करो, अगर कुछ लोग एमबीए कर रहे होंगे तो एमबीए का भी सिलेबस यही सेम होता है, एमसीए करते हैं, एमसीए में भी ये सिलेबस, बीसीए में भी होता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी होता है। हमेशा लोगों का सवाल होता है कि सर ये सी करता क्या है, तो सी में से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और इंडस्ट्री में जो सी की मांग है वो बहुत ही हाई है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी आगे बढ़ जाए, चाहे अभी आजकल के समय में लोगों को लग रहा है कि पाइथन इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाइड यूज, तो भाई यूज़ तो किया जा रहा है लेकिन इस पाइथन और फ्लटर डार्ट इन सब, मतलब अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नाउ ट्रेंडिंग, उस सारी क्या है सी और सी प्लस प्लस में लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ें लोग ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि सी से क्या कर पाएंगे, क्या ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है यार। देखो ऐसा है कि आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हो उसके जन्मदाता कौन है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। और जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है इससे अच्छा कोई बेहतर तरीके से नहीं समझा पाता है, क्योंकि इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, तो मिडिल लेवल होने के बाद में ये हार्डवेयर को भी कवर अप करता है, हार्डवेयर कॉन्सेप्ट को भी समझाता है और सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को भी समझाता है। तो अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी को प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ना ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा भी आपके अंदर आप जो है मतलब कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ना ही चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने बीएससी सेकेंड ईयर के तरफ और देखते हैं कि क्या है इसका सिलेबस। तो अगर हम चलते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में, तो देखो भाई ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है और इंटरेस्टेड नहीं है, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है। तो बीएससी सेकेंड ईयर का भी जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को शुरू में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर आपको जो है जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाएगा आपको। बेसिकली ये आईसी चिप्स के बारे में, आईसी और चिप के बारे में समझाता है, जितने भी कंट्रोलर्स हैं, जितने भी प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर में कैसे पिन होती हैं, प्रोसेसर के जनरेशन के बारे में। तो देखो ये गेट के हिसाब से, अगर आप गेट का एग्ज़ाम आगे देने के लिए सोच रहे हैं, या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने को सोच रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम देने को सोच रहे हैं, या अगर आप बीटेक करना चाह रहे, मतलब आप आगे एमटेक वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उस एमटेक वगैरह में भी आपका ये जो है बड़े काम का पेपर होने वाला है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री लेवल पे, तो इंडस्ट्री लेवल पे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर जगह पे आपका ये पूछा जाता है। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं कंप्यूटर साइंस में, बहुत ही बेहतरीन है, और मतलब समझ लो कि अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, ठीक। तो जो आपका पहला सिलेबस है वो है आपका, इसमें जो है शुरू बेसिक
इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कॉन्सेप्ट आपके मेमोरी मैपिंग वगैरह है, सिस्क रिस्क है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, सच्चाई यही है कि ये जो है हमेशा सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो है ऐसा पेपर है कि जिसको बिना पढ़े आप रह नहीं सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ये पेपर आपको कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप अपने किसी सीनियर से पता करोगे जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में किसी इंडस्ट्री में है, तो दे विल सजेस्ट यू कि आप जो है आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जरूर पढ़ें। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेहतर पेपर है। अगर आगे बात करें हम तो आगे देखते हैं, अगला जो आपका पेपर है बीएससी सेकंड ईयर का वो है कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क तो आप जान ही रहे हो, हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड हो, जहाँ भी देखो नेटवर्किंग है। अगर आप अपने डेली लाइफ में भी देखो तो हर जगह पे आप ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ कर रहे हो, आप फ़ोन पे बात करते हो, गैजेट्स यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं ब्लूटूथ डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हो, हर कोई ब्लूटूथ डिवाइसेस का आजकल यूज़ कर रहा है, वाईफाई डिवाइसेस का यूज़ कर रहा है। और सारी चीज़ें अगर हम इंटरनेट की तरफ देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम जुड़े हुए हैं, तो अगर यार इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े हुए हैं और हम नेटवर्किंग को ना समझे तो ये तो बहुत ही गजब की बात है। तो बिना नेटवर्किंग समझे अगर आप आईओटी की बात करेंगे तो ये तो एक मतलब गलत है। और आज का जो ज़माना है, जो कंप्यूटर साइंस जिस पे वर्क कर रहा है, वो है आपका आईओटी। और आईओटी डिवाइसेस आजकल हर जगह मार्केट में है। आप हमेशा स्मार्ट डिवाइसेस की बात करते हो, स्मार्ट फैन, स्मार्ट कूलर, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट लाइटिंग की बात करते हो, तो स्मार्ट थिंग्स की बात करोगे तो नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, और वही है कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क में आपका अभी तो ये जो सिलेबस है बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा सिलेबस है। और अगर आप एमएससी का एग्ज़ाम देते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की अहम भूमिका है, सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की गई हैं। आपके सारे ओएसआई मॉडल्स हैं, ओएसआई मॉडल हो गया आपका, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, बस है, टोपोलॉजी है, मॉडुलेशन वगैरह हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर अप की गई हैं। आगे अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये बहुत ही काम का सिलेबस है और इसको आप इग्नोर इसको भी नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे सर सारे सिलेबस को तो कह रहे हैं कि इग्नोर नहीं कर सकते, जी हाँ, जो सारा सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सब कुछ पढ़ने लायक और मज़ेदार सिलेबस है, ठीक। तो अगर आपके पास मतलब आप अगर कुछ सच में सीखना चाहते हैं तो सच में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके पास ये एक बेस्ट पेपर है, आप इसको सीख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको आपको समझना चाहिए। तो आगे के पेपर की बात करें दोस्तों, तो जो देखते हैं यार आगे का क्या है। अगला जो अपना पेपर है थर्ड पेपर, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर। और एक बात जान लो, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, कहीं पे आप अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, यहाँ पर जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट सिलेबस है और ये आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, जहाँ भी देखोगे तो इंटरव्यू के पर्पस से देखें या आपके गेट नेट के पर्पस से देखें, या अगर हम बात करें जो है आप कभी भी आगे कंप्यूटर साइंस में कुछ भी आगे करेंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप, सबसे बड़ी बात कि डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह पर यूज़ होता है, पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इस डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और मतलब बहुत ही ज़रूरी है आपके जो आगे, मतलब आप अगर एमसीए वगैरह करते हैं तो एमसीए में एक पेपर होता है डा, डा का मतलब डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, तो वहाँ पर भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप किसी जो है अमेज़ॉन वगैरह में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, तो आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से ज़्यादातर आते हैं, तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा सिलेबस है। सब कुछ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन करा इस बार का सिलेबस वो तो बहुत ही बेहतर है,
और सबसे जो बेस्ट बेस्ट, जिसका मतलब एकदम जिसको कुछ कह ही नहीं सकते, जिसको जरा भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, आपका बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस, जिसमें तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पेपर आपका जावा है और दूसरा लैब है, मतलब सेल प्रोग्रामिंग है या लिनक्स है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। थर्ड जो पेपर है वो आपका डीबीएमएस है और बहुत ही बेहतरीन है। सारा सिलेबस आपका प्रोग्रामिंग बेस्ड है, लैब बेस्ड है, कोई भी थ्योरी पोर्शन नहीं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग जो देखा, थ्योरी पोर्शन हमने पढ़े, लेकिन जो बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस है इसमें जरा भी आपका ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी पोर्शन है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा, सारे लैब्स आपको दिखाए जाएंगे, सब कुछ लैब बेस्ड है। तो सबसे मजे की बात यही है इस सिलेबस में। तो जो अभी तक क्या था, सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था, लेकिन यहाँ पे जो आपका सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जावा का सिलेबस, ये जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करता है, जो कि आपका सब कुछ एक सब कुछ कवर अप करता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करता है और जितने भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अच्छा, एक सबसे मजे की बात कि अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, ढंग से मान लो कि आप अगर बीएससी थर्ड ईयर में हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े, तो जावा आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि मैं मतलब इसको अपना लव सेंस मानता हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप जावा को देखें तो बिलियंस ऑफ पीपल यूज़ कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में जाओ तो चाहे आप, सबसे मजे की बात क्या है कि जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और तो जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या सेंस है, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग का सेंस ये है कि अगर आप इससे वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो तो इसका जेएसपी लाइब्रेरी है, जेएसपी है, जेएसपी का यूज़ करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन, आप जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन देख रहे हो आपके फ़ोन में जो इंस्टॉल्ड हैं, सभी के सभी जावा पर बने हुए हैं और जावा कोटलिन पर बने हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें तो आपका स्विंग है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपका JVM वगैरह है, सब कुछ तो आप वहाँ से देखते हैं, मतलब सब मज़ेदार चीज़ें हैं। आप चाहे डेटा साइंस वगैरह ले लो, कोई भी मतलब फील्ड ले लो, ऐसी कोई भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड नहीं है। नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो यूज़ है वो जावा का है। तो जावा मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारे डेवलपर हैं जो कि 20-20 साल, 25-25 साल जावा पढ़ते हैं और जावा ख़त्म नहीं होती। तो जावा एक ऐसा पेपर है जिसको आप ध्यान से मग्न होकर पढ़ सकते हैं। मग्न होने का मतलब जैसे कि होता है ना कि सांसारिक सुख का, जो सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी वो जावा को पढ़ के आपकी होगी। तो जावा एक ऐसा पेपर है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जावा आप बहुत ही ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। देखो, पहले कोर जावा पढ़ो, फिर एडवांस जावा पढ़ो। एडवांस जावा में आपका JSP, स्विंग, JVM वगैरह का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। तो आप इसको बिल्कुल छोड़े नहीं, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही बेस्ट है। आप इन सबको सबको एक तरफ से कवर कर सकते हैं जावा को। तो मतलब समझ लो कि बहुत ही अच्छा हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जावा के सिलेबस को इम्प्लीमेंट करा, और जावा मतलब मैं पढ़ाया तो मज़ा आ जाएगा भाई आपको। और हमारे यहाँ सारे कोर्सेज, ये आपको सारे पेपर आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी और लाइव क्लासेस भी, क्योंकि आजकल जो अधिकतर आप घर से बैठे पढ़ाई करना चाह रहे हो तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है आपका जो बीएससी सेकंड ईयर का दूसरा पेपर है जो कि है DBMS। तो यार, फाइल के जो कहानी थी अभी तक, पुराने ज़माने में फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता था, सारी चीज़ें फाइल में स्टोर होती थी। तो फाइल में स्टोर होने की वजह से डेटा को मैनेज कर पाना, ऑर्गेनाइज कर पाना, सही वे में उसको रिप्रेजेंट करना, ये बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो उसको देखते हुए DBMS का यूज़ किया जाने लगा, और बहुत तेज़ी से DBMS यूज़ होता है, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री के मतलब जो आपका BSc लास्ट ईयर का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से इंडस्ट्री बेस्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको बनाता है एक तरह से। अगर आपके मन में ये है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप BSc थर्ड ईयर का जो सिलेबस है पूरी तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं।
मतलब सच में कुछ भी छूटता नहीं है और सब कुछ ये लोग कवर कर दे रहे हैं। बहुत मजे का सिलेबस है, आप कुछ भी नहीं छूट रहा है। और डीवीएमएस में आपकी आप ध्यान देखेंगे तो अधिकतर चीजें लैब बेस्ड हैं, जैसे कुछ चीजें हैं ईआर मॉडल वगैरह है जो कि थ्योरेटिकल हैं, लेकिन आपके आगे के दिनों में वो बहुत काम आने वाले हैं। और आप देखेंगे कि जो है एंटिटी सेट वगैरह आप जो बनाएंगे वो, मतलब आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में जब आप काम करने जाएंगे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा माइनिंग, आजकल जो डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस का जो काम है वो सारी चीजें डीबीएमएस में चलती हैं। तो डेटा माइनिंग वगैरह का नाम आप सुनते होंगे, या अगर डेटा वेयर हाउस में जो लोग काम करते हैं आप उनसे मिलेंगे तो सारी चीजें डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को मैनेज करना, ये चीजें जो है डीबीएमएस में आपको वहां पर मिल जाएंगी और बहुत कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट सिलेबस है। अगला जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग है, सॉरी सिस्टम प्रोग्रामिंग मैं कर रहा हूँ, सिस्टम प्रोग्रामिंग इसका नाम नहीं, बल्कि ये जो है आपका ये जो सिलेबस है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का है और मेंटेनेंस का है। तो एक बात बता दें आपको कि आप जब कभी जो है कहीं पर जाते हैं, किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि आई हैव डन बीएससी फ्रॉम एज ए ग्रेजुएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आपसे लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप कंप्यूटर के मास्टर हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। अगर कंप्यूटर में खराब हो गया, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, तो आपसे चाहते हैं कि ठीक करवा लें। लेकिन अभी तक का जो सिलेबस था, अगर आप सिलेबस को देखें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार सिलेबस को ऐसा डिजाइन करा गया है कि सिलेबस में अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो जो लोगों की आपके प्रति ये होता है कि हाँ ये कंप्यूटर साइंस से बीएससी है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जो आपकी कहानी है वो जो है यहाँ पर पूरी तरह से कवर अप करा गया है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या है, आपके लिनक्स के सारे कमांड्स हैं, डॉस कमांड है, और बैच फाइल, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा सारा का सारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के थे, कैसे काम करते थे, उसमें क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस की जरूरत है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो लोगों के अंदर जो फीलिंग हुआ करती थी आपके लिए कि आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी करा है तो आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे मतलब निसंकोच, आप अगर इसको पूरी तरह से हर सिलेबस को देखते हैं तो जो आप कंप्यूटर साइंस को सिर्फ ना कि पढ़ते हैं ना समझते हैं, बल्कि कंप्यूटर साइंस में आप जीना शुरू कर देते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस का जो सिलेबस है इसको पढ़ने के बाद, ना आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस को पढ़ेंगे ना समझेंगे, बल्कि कंप्यूटर साइंस के साथ में जीना शुरू कर देंगे। तो इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह का था, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। और देखें तो कुछ जो है आप देखते होंगे, अधिकतर नाम सुनते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, कंप्यूटर मैनेजमेंट, लोकल सिस्टम, पॉलिसी, फायरवॉल, एंटीवायरस, टास्क शेड्यूलर, सब कुछ है। और अधिकतर चीज़ें आपका जो है लैब बेस्ड हैं और आपको सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी कि होस्ट क्या है, सर्वर क्या है, नेट स्टार क्या है, हुई मेन क्या है, डीएनएस क्या है, नेम सर्वर क्या है, आपकी सारी चीजें यहाँ पर कवर अप की जाने वाली है। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस को सही में जीना चाहते हैं तो बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बहुत ही बेस्ट है। लेकिन इन सिलेबस को सिर्फ सिलेबस होने से जो है कुछ कोई बेस्ट नहीं होता है, आपको उस सिलेबस के प्रति एकदम जुड़ना होगा, पढ़ना होगा, लड़ना होगा, सीखना होगा और समझना होगा। अगर अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे तो आप कंप्यूटर साइंस के साथ में जीना शुरू कर देंगे। तो आई होप आज का ये लेक्चर, मतलब आपको जो मैंने चीज़ें बताई बहुत ही मज़ा आया होगा और आप सिलेबस देखे होंगे, तो बेसिक जो कमांड्स हैं वो सब भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड हैं, टर्मिनल सेल जितने भी, कैल कमांड, सी डी, डेट, कैल मैन, कैट कमांड, मैन कमांड, जितने भी कमांड्स हैं लिनक्स के लगभग चीज़ें कवर अप की गई, बेसिक जो है। लगभग क्या कवर किया जाएगा, लिनक्स बहुत ही वास्ट है और कभी ख़त्म नहीं होता, सेल स्क्रिप्टिंग वगैरह आगे की चीज़ें बहुत सारी हैं पर वो नहीं किया गया है, लेकिन आपको जो एक कंप्यूटर मास्टर बना देता है वो काम आपको यहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा। और हर एक किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए।
तो अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ें कैसे, तो सारी चीज़ें बुक से कवर अप नहीं हो सकती हैं, और इंटरनेट पे भी सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल नहीं है। तो इसके देखते हुए हम लोग सब कुछ आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे यूनिक ऑनलाइन गुरु पे देने वाले हैं। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रॉल में दिख ही रहा होगा, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि आप कैसे जुड़ेंगे, आपको कैसे क्लासेस मिलेंगी, कैसे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कैसे लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और कंप्यूटर साइंस के इस बेहतरीन सिलेबस को वन बाई वन हम लोग कवर अप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे और आपसे इसी तरह से मुखातिब होते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो इफ यू एंजॉय दिस, डिसलाइक एंड इफ यू नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, सो कमेंट आउट इनसाइड द वीडियो। और आप जो है जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।